ट्रेंड। यदि अभी तक आपको पता नहीं है कि GTL की एक बहुत बड़ी सेलिंग IDVI ट्रस्टी के द्वारा की गई है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अभी मैं चलता हूँ डायरेक्ट IDVI के ऊपर, बट उसके पहले यदि आप यहाँ चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए तो आप प्लीज़ यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड यदि वीडियो पसंद आए तो आप लास्ट में लाइक जरूर कर देना। ओके, न्यूज़ जो निकल के आई थी फ्राइडे के दिन ही लगातार, इसमें जो 3 दिन यहाँ पे सेलिंग हुई थी, IDVI ट्रस्टी कंटिन्यू डंपिंग शेयर ऑफ GTL एंड GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों के IDVI ट्रस्टी ने यहाँ पे सेल किए थे शेयर, एंड लगातार 3 दिनों तक यहाँ पे सेलिंग इनने की है। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक दिन यहाँ पे 17,50,000 शेयर यहाँ पे डंप किए गए थे GTL के, जो इसका प्राइस था 21.80 रुपये, एंड उसी दिन यहाँ पे 19,29,69,69,530 शेयर, 19 लाख, ओके, इतने शेयर यहाँ पे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के डंप किए गए थे 2.40 रुपये पे। एंड जो जिसने डंप किए थे वो है ये IDVI ट्रस्टी, ये एक संस्था है जो IDVI बैंक के द्वारा यहाँ पे उनकी सब्सिडरीज है। एंड जो यहाँ पे जो फुल न्यूज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी जो फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे सेलिंग हुई थी, क्योंकि मैंने एक इस पे पहले वीडियो बना दी है, तो आप उसको बेल आइकॉन में ऊपर जाके आप पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं की हो, या आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके GTL की सारी वीडियोस की लिंक वहाँ से ले सकते हैं, सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगी। ओके, एंड जो यहाँ पे जो फुल न्यूज़ थी वो मैं आपको यहाँ पे शो करा दे रहा हूँ, जो लगातार यहाँ पे जो 3 दिन सेलिंग हुई थी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, 5 तारीख को, 6 तारीख को एंड 7 तारीख को। जो 5 तारीख को जो सेलिंग की गई थी वो यहाँ पे 13.5 करोड़ शेयर्स की गई थी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो 2.37 रुपये पे की गई थी। फिर अगले दिन फिर 6 तारीख को भी यहाँ पर सेलिंग हुई, जो यहाँ पर 19.30 करोड़ शेयर की सेलिंग हुई, एंड जिसका प्राइस यहाँ पर था 2.41 रुपये पे सेलिंग हुई। एंड फिर यहाँ पर थर्ड डे भी यहाँ पे सेलिंग निकल के आई 7 जनवरी को, एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वांटिटी कितनी सारी है, 19.29 करोड़ की क्वांटिटी एंड 2.40 रुपये पे। जो ऊपर जो न्यूज़ थी उसमें मात्र इसके बारे में बताया गया था, क्योंकि ये फ्राइडे की न्यूज़ थी, एंड उसके जो 2 दिन पहले की न्यूज़ थी वो मैंने आपको अलग अलग कवर की थी हर सेशन में। तो यदि आप पूरी न्यूज़ नहीं देख पा रहे हैं तो आप पहले यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट इस शेयर की एंड और अदर शेयर की आपको टाइम टाइम मिलती रहे। अभी हम अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, तो वो GTL से रिलेटेड होने वाली है, GTL लिमिटेड की। जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो 7 तारीख की जो न्यूज़ थी, 1 पीस यहाँ पे बेचा गया था, 17.5 लाख शेयर यहाँ पे डंप किए गए थे IDVI ट्रस्टी के द्वारा, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं IDVI ट्रस्टी के द्वारा, एंड जो शेयर का नाम है GTL लिमिटेड है। ओके, 7 तारीख की रिपोर्ट है, एंड जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो 17.5 लाख क्वांटिटी है, एंड जो प्राइस निकल के आ रहा है 21.80 रुपये पे यहाँ पे सेल की गई थी, एंड उसके पहले भी 2 क्वांटिटी यहाँ पे सेल की जा चुकी हैं, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। ये 5 तारीख एंड 6 तारीख में भी 2 बार यहाँ पे माल बेचा गया है, जो GTL का ही बेचा गया है, एंड सेम कंपनी IDVI ट्रस्टी के द्वारा ही इतना सारा माल यहाँ पे दोनों शेयरों का बेचा गया है, एंड जिसका यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेडिंग निकल के आती है 17,16,000, एंड अगले दिन 6 तारीख को यहाँ पे निकल के आती है 15,47,000। यदि प्राइस की बात करें तो 5 तारीख को ये 23.84 रुपये पे बेचा गया, एंड अगले दिन 22.75 रुपये पे, फिर उससे कम पे, मतलब ये सेलिंग लगातार इनने की है, एंड अपने कम प्राइस पे भी माल बेचा है। 5 को इनने 23.84 रुपये पे बेचा, तब ये थोड़ी यहाँ पे रुके, फिर इनने आगे यहाँ पे 22.75 रुपये का माल बेचा, फिर भी ये रुके, अगले दिन और कम हुआ तो इनने तब भी यहाँ पे सेलिंग की 21.80 रुपये पे। तो ये सारी इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे निकल के आ रही है, सेलिंग के क्या मायने हैं वो अभी हमें मंडे को जाके पता चलेगा। एंड GTL में तो लगातार लोअर सर्किट लग ही रहा है, GTL लिमिटेड में तो यहाँ पे लोअर सर्किट चल ही रहा है, बट GTL इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने जल्दी लोअर सर्किट नहीं लगा, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बुलिश हुए पड़े हैं, एंड पूरा माल यहाँ पे उठा लिया गया है, उस दिन भी उठा लिया गया था, इन तीनों दिन यहाँ पे माल पूरा का पूरा उठा लिया गया है। तो क्या है कि इसमें लोअर सर्किट नहीं रहा, ये शेयर यहाँ पे ट्रेडिंग में रहता है, देन फिर लोअर सर्किट नहीं रहता है, एंड अपने बंद हो जाता है। तो अब मंडे को हम यहाँ पे देखते हैं कि इन शेयरों में क्या होने वाला है, अगर ऐसे ही सेलिंग चलती रही तो दोनों ही शेयर आपको लोअर सर्किट में देखने को मिलेंगे, या यदि अब सेलिंग यहाँ पे रुक जाती है तो ज़रूर यहाँ पे अपर सर्किट लगने के चांस हैं, क्योंकि अब हो चुका है, जितनी बिकवाली थी वो सारी हो चुकी है, एंड यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो आ चुके हैं, तो इस शेयर में तो यहाँ पे अपर सर्किट लग जाएगा। यदि अब IDVI ट्रस्टी अपनी यहाँ पे सेलिंग
कंटिन्यू नहीं रखती है। यदि सेलिंग कंटिन्यू रखती है तो इसमें लोअर सर्किट अब लोअर सर्किट स्टार्टिंग से ही लग जाएगा, क्योंकि अब कितने दिन तक माल खरीदेंगे, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी कौन खरीदने वाला है। और रिटेल इन्वेस्टर यदि उसका कोटा पूरा हो जाएगा तो फिर या तो फिर यहाँ पर DIIs एंटर करेंगे, या फिर देखते हैं कि प्रमोटर तो इसमें बुलिश है नहीं है, वो तो अपनी पूरी क्वांटिटी यहाँ पे सेल किए हुए बैठे हैं। मैंने आपको पहले कई सेशन कई वीडियोस में बता चुका हूँ मैं आपको कि ये यहाँ पे प्रमोटर्स पूरी तरह से भाग चुके हैं। यदि आप तब भी अभी वीडियो आपने नहीं देखी है ये सब GTL की, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर एंड IFCI के नाम से आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। आप चैनल पे विजिट कीजिए एंड सारी वीडियोस को वॉच कर लीजिए, ओके। तो आपको इस शेयर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ पता चलेंगी एंड शेयर के फंडामेंटल भी आपको सभी जगह मिल जाएंगे उसी प्लेलिस्ट में। सारी न्यूज़ एक साथ मैंने आपको लगा रखी है आपके लिए, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ओके। एंड जो भी आपकी क्वायरी हो इस शेयर से रिलेटेड या और भी शेयर से रिलेटेड, तो आप अपनी क्वायरी को पुटअप करके आप अपने आंसर ले सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे कमेंट्स यहाँ पे पढ़े जाएंगे एंड आपके सारे जो भी आंसर होंगे, जो भी क्वायरीज होंगी, उनके आंसर आपको, यदि आपके जेन्युइन कमेंट्स होंगे तो प्रत्येक कमेंट्स का आपको आंसर यहाँ पे मिलता है हमारी चैनल पे। तो आप यहाँ पे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद, ओके। कई लोगों का मैंने यहाँ पे देखा है कि दो बार सब्सक्राइब कर देते हैं तो उससे अनसब्सक्राइब हो जाता है, मेरे पास बार बार मैसेज आते हैं, एक बार सब्सक्राइब फिर दूसरी बार अनसब्सक्राइब हो जाता है फिर दोबारा सब्सक्राइब करते हैं, तो ये सब मत कीजिए, एक बार सब्सक्राइब रहने दीजिए एंड आप चेक कर लीजिए एक ही बार सब्सक्राइब हो, ओके। एंड जो भी न्यूज़ है आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो वीडियो में यहाँ पे लास्ट तक बने रहने के लिए एंड आप यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके।